बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे होंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ यार। मुझे भी पूछ लिया करो, मुझे पूछता ही कोई नहीं यार, कमेंट में भी कोई नहीं पूछता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर है, मैं ठीक हूँ, खुद ही बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज की वीडियो किस चीज़ पर थी? हाँ यार, मुझे याद आ गया, प्रॉपर्टी टाइप्स के ऊपर थी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी टाइप्स जो हैं वो उनको हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो। आई थिंक SFH या SFR पे मैंने बनाई थी कि सिंगल फैमिली रेजिडेंस क्या होती है, तो ये किस चीज़ पे? मल्टी फैमिली। अब क्लाइंट आपको अक्सर कहता है यार सिंगल फैमिली की बात होती है या मल्टी फैमिली की बात होती है। सिंगल फैमिली का तो मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया, छोटा सा एक ही चीज़, एक ही किस्म की प्रॉपर्टी होती है सिंगल फैमिली। अब मल्टी फैमिली में काफ़ी सारी इकसाम आ जाती हैं, एक नहीं है, ठीक है ना। और यार वीडियो पूरी देखा करो आपको, अगर पूरी आपने गाइडलाइन लेनी है कि चीज़ क्या आपने सीखना है काम, तो ठीक है ना, आपको तभी पता चलेगा जब वीडियो पूरी देखोगे। और अगर नया आए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर जाओ और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दो, अगर सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे ना, फिर फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, मल्टी फैमिली होम्स कौन से होते हैं? मल्टी फैमिली होम्स वो होते हैं कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको ज़्यादा फैमिलीज़ की जो रहने की जगह बनाई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, यानी कि शॉर्ट, यानी कि यार 2, 4, 5, 10 का, इससे ज़्यादा का नहीं होता। छोटी बिल्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है ना। अपार्टमेंट्स टाइप नहीं होती, जैसे आप कह लें ना हमारे लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में हैं, ये जो अपार्टमेंट्स हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं और बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, लोग रेंट भी करते हैं वहाँ पे, एक एक दो दो कमरे होते हैं, सिंपल वो अपार्टमेंट्स जिनको कहा जाता है, वो बिल्डिंग्स नहीं, वो उनको मल्टी फैमिली नहीं कहा जाता। आई थिंक वो मल्टी फैमिली में नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टी फैमिली में ज़रा लेवल के आ जाते हैं काम, ठीक है ना। तो अब मल्टी फैमिली में इकसाम कौन कौन सी हैं? काफ़ी सारी इकसाम हैं। कंडो है, ठीक है। अब कंडो एक शॉर्ट लफ्ज़ बनाया गया, उसको कंडोमिनियम कहते हैं। कंडोमिनियम मेन पूरा वर्ल्ड है, लेकिन उसको शॉर्ट में कंडो बुलाया जाता है, ठीक है। एक तो वो हो गया, दूसरा क्या होता है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, फोरप्लेक्स है, इसके अलावा टाउन होम्स होते हैं, टाउन होम्स, ठीक है। टाउन होम्स के बाद मेरे ख्याल इतने ही होते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं होते, यही मेन है, जो मेन है ये वाले हैं, ठीक है ना। तो सिंगल मल्टी फैमिली कौन से होते हैं? मल्टी फैमिली वो हैं जिनके अंदर एक ही बिल्डिंग में ज़्यादा फैमिलीज को अकोमोडेट किया जाता है, एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है ना, ये वो चीज़ होती है। अब इसमें मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बता देते हैं यार, ज़रूर और बनानी है, इसी में बताते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं डुप्लेक्स के बारे में बताता हूँ। डुप्लेक्स क्या होता है? एक बिल्डिंग के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर दो फैमिलीज़ के रहने की जब जगह बनाई जाती है कि उसी में दो फैमिलीज़ रह रही हों, ठीक है, दो फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया जाए विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, उसको डुप्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये डुप्लेक्स के बारे में है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने फिल्टर में भी देखा होगा डुप्लेक्स होता है, ठीक है, और आपने अगर किसी क्लाइंट से भी सुना है या कहीं पर आपने जो जॉब पोस्ट लगी हुई होती है क्लाइंट्स की, उसके अंदर भी उनको ये डुप्लेक्स चाहिए, ठीक है ना। मल्टी फैमिली मेंशन नहीं करना, डुप्लेक्स किया, तो डुप्लेक्स का मतलब क्या है? मल्टी फैमिली टाइप की एक टाइप, पहले मल्टी फैमिली सब टाइप कौन सी है इसकी? डुप्लेक्स है, ठीक है ना। सब टाइप भी होती है और टाइप भी होती है, तो ये माइंड में रखनी है चीज़ें। ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ बार बार, और बार बार यही बता रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखा करो और यार पूरा समझा करो, फ़ायदा तभी होना है आप लोगों को। अक्सर लोग होते हैं, मुझे थोड़ी सी मेरी वीडियो देखी, 1-1.5 मिनट देखा और फिर सवाल जवाब शुरू कर दिया, सर वो आपने ये जो वीडियो बनाई थी उसमें फलानी चीज़ क्या थी, वो क्या थी? यार मेरी वीडियो देख लो, आपको सारी इंशाल्लाह डिटेल मिल जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं यहाँ कुछ छुपा के नहीं रख रहा, मैं हर चीज़ आप लोगों से जो है ना शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अल्लाह करे किसी का फ़ायदा हो जाए भाई मेरी वीडियो से, तो दुआएं देंगे यार, मुझे और क्या चाहिए, दुआएं मिल जाएं बहुत होती हैं, ठीक है। साथ में थोड़ा सा ऐड भी देख लिया करो, ठीक है, वो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, एक तो हो गया डुप्लेक्स, अब दो प्रॉपर्टी, दो फैमिलीज़ के लिए, ठीक है, विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। अब इसके बाद कौन सी आ जाती है? इसके बाद आ जाती है ट्रिप्लेक्स। अब ट्रिप्लेक्स क्या है? ट्रिप्लेक्स यार कॉमन सेंस की बात है, वैसे ये तो नाम सुन के ही पता चल रहा है, ट्रिप्लेक्स क्या होगा? ट्रिप्लेक्स नहीं भाई, ट्रिप्लेक्स, ठीक है ना, TRIPLEX, ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स का मतलब है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर तीन फैमिलीज, ठीक है। अब तीन फैमिलीज को जहाँ अकोमोडेट किया जा रहा है, यानी कि विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, विद इन अ सिंगल एंट्रेंस, क्या एक ही एंट्रेंस है, उसी एक ही एंट्रेंस के अंदर आपका तीन फैमिलीज का सेटअप है। अब वो 1, 2, 3 हो जाए स्टेप बाय स्टेप, मीन के स्टोरीज के हिसाब से हो जाए, या एक ही बिल्डिंग में एक गली जा रही है सेंटर में, जैसे हमारे अक्सर पुराने घरों में होता है कि सेंटर में गली होती है, इधर भी कमरा, इधर भी, उसी तरह से एंट्रेंस सेम, मेन एक ही एंट्रेंस होगी, ठीक है, शॉर्ट अपार्टमेंट्स टाइप आप कह सकते हैं, मेन एंट्रेंस एक ही होगी, उसके बाद आपके उसके तीन फैमिलीज के रहने की जगह सेपरेट,
सेपरेट सेपरेट रहने की जगह, ये नहीं कि इकट्ठा, जैसे हमारा कहते हैं ना मल्टी फैमिली, यार क्या कहते हैं उसको, कि हमारे यार कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, ठीक है ना, कि आपके वो तीन फैमिली सेपरेट सेपरेट रह रही होंगी, ठीक है, उनकी मेन इंटरेस्ट एक ही होगी, ठीक है, वो कॉमन है। उसके बाद जो अंदर आके आपके जो घर हैं, घर के अंदर आपका वो अलहदा अलहदा एक ही बिल्डिंग के अंदर अलहदा पोर्शन हैं उनके, तीन बने हुए, ये ट्रिप्लेक्स का है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक और चीज़ है, वो क्या, फोरप्लेक्स। अब इसके बारे में मुझे मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यार बता देता हूँ, बता क्या देता हूँ, चार फैमिलीज एक ही बिल्डिंग के अंदर सेम एंट्रेंस के साथ। इसमें अक्सर हो जाता है कि आपकी लाउंड्री वगैरह, जो एक आधी चीज़ लाउंड्री वगैरह वो इकट्ठी होती है, और वैसे है तो निज़ाम ऐसा है कि उनकी लाउंड्रीज वगैरह अलग ही बनी हुई होती हैं एक जगह पे, साथ कोई उन्होंने बनाई होती है, वहाँ खुद जाके वो पैसे डाल के धो रहे होते हैं। आपने अगर मूवीज़ देखी हॉलीवुड की तो उसमें आप लोगों को आइडिया होगा, अगर मिस्टर बीन देखा तो उसमें भी होगा यार, मिस्टर बीन की वीडियोज़ में है इस तरह का सीन बने हुए, ठीक है ना। फोरप्लेक्स क्या है, यहाँ विद इन अ बिल्डिंग फोर फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया जाता है, रहने की जगह होती है उनकी, रहना सेपरेट सेपरेट यानी कि रह रहे होते हैं, इकट्ठे नहीं रह रहे होते, ज्वाइंट फैमिली वाला निज़ाम नहीं है। इसको ज्वाइंट फैमिली बिल्कुल भी नहीं समझना, बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए लंबी किए जा रहा हूँ पूरा, इसमें मैं कह रहा हूँ कि मल्टी फैमिली को कर जाऊँ यार जितना हो सकता है, ताकि फ़ायदा हो जाए यार आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज़, इसके अंदर एक दो और चीज़ें भी होती हैं यार, उसमें क्या था, टाउन हाउस थे, टाउन हाउस पे मुझे लहदा बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा, वो और तरह के होते हैं, वो इस तरह के अपार्टमेंट्स या इन टाइप नहीं होते, वो बड़ी बिल्डिंग्स हैं यार, बड़े सॉरी टाउन हाउस और चीज़ है यार, कंडो की बात करो, कंडो और चीज़ हो जाती है, वो बिल्डिंग्स और हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन फैमिली जब आप उनको ढूंढ रहे होते हैं, जब आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे मल्टी फैमिली के अंदर टाइप, एक आपको बताता है कि मल्टी फैमिली मुझे चाहिए, मल्टी फैमिली के बाद मुझे डुप्लेक्स चाहिए, मुझे ट्रिप्लेक्स चाहिए, या मुझे फोरप्लेक्स चाहिए प्रॉपर्टीज़, ये सब टाइप्स होती हैं। पहले टाइप्स हैं सिंगल फैमिली, मल्टी फैमिली, दो टाइप्स आ गई मेन, ठीक है। उन दो मेन टाइप्स के बाद आगे सब टाइप आ जाती है, सब टाइप में ये डुप्लेक्स भी आ जाता है, ट्रिप्लेक्स भी आ जाता है, टाउन हाउस भी आ जाता है, कंडो भी आ जाता है, अपार्टमेंट भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मल्टी फैमिली के अंदर आती हैं कि आपको डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, फोरप्लेक्स, सिंपल आपको यार कॉमन सा यार लॉजिकली आपको समझ आते हैं, डुप्लेक्स क्या हो सकता है, ट्रिप्लेक्स और फोरप्लेक्स, फोरप्लेक्स तो सीधा सीधा है चार, और ट्रिप्लेक्स तीन, और डुप्लेक्स टू, ड्यूअल से डुप्लेक्स, ठीक है ना, या डबल से आप कह सकते हैं, तो सिंपल सा है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मल्टी फैमिली की सब टाइप्स हैं, ठीक है, मल्टी फैमिली टाइप है प्रॉपर्टी की, और ये सब टाइप में आ जाती है जो आपकी डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स है या फोरप्लेक्स है, सॉरी मल्टीप्लेक्स तो नहीं होगा, मल्टीप्लेक्स तो कोई और चीज़ है ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कंडो के बारे में बताएंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।